अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद शाहिद गिलानी फ्रॉम एडमायर कॉलेज मुल्तान। स्टूडेंट्स, आज हमारा बीकॉम वन के लिए टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशंस, कि अगर हमें शेयर्स वगैरह हम ख़रीदते हैं या इशू करते हैं, उस सिलसिले में हम इनिशियल लेवल पे सारी डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जब भी कंपनी बनाते हैं उसका एक कैपिटल होता है। एक कंपनी जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होती है उसको ऑथराइज्ड कहते हैं। जिस सरमाए के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है स्टूडेंट्स, उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। सपोज आपने 10,000 शेयर्स के साथ कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है तो वो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। उस ऑथराइज्ड कैपिटल में जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं, जितना स्टॉक कॉमन आपने इशू किया है, वो आपका इशूड कैपिटल होगा। वो स्टॉक, वो शेयर्स जो पब्लिक परचेज करेगी और आपको पैसे अदा करेगी, वो आपका आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ऑथोराइज्ड शेयर्स क्या होते हैं, ऊपर अभी मैंने आपको बताया है। अब उसकी यहाँ डेफिनेशन, Authorized shares are the maximum number of shares of capital stock that can be sold to the public. Authorized shares, तमाम वो shares जो कंपनी registered होती है अपने maximum number of shares के साथ, और वो तमाम के तमाम shares public को sell कर सकती है। Suppose 10,000 से आप registered हुए तो 10,000 आप shares पब्लिक को सेल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑथोराइज्ड शेयर्स में दो शेयर्स हैं। वो शेयर्स जो आपने इशू किए हैं पब्लिक को, वो इशूड शेयर्स कहलाते हैं। द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर्स इशूड टू पब्लिक इज कॉल्ड इशू शेयर्स। ऑथोराइज्ड शेयर्स का वो हिस्सा जो आपने पब्लिक को इशू कर दिया है, वो आपका इशूड शेयर्स कहलाता है। अन इशूड शेयर्स, the part of authorized shares not issued to public, total सरमाए का वो हिस्सा, वो shares जो आपने public को अभी issue नहीं किए, वो आपका unissued shares कहलाता है। Next, अब students आपके पास दो तरह के shares होते हैं। Types of stocks में दो तरह के shares होते हैं, stocks होते हैं students। एक होता है common stock, दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन स्टॉक इज द टाइप ऑफ मोस्ट पीपल परचेज। स्टूडेंट्स, कॉमन स्टॉक एक आपके स्टॉक की वो किस्म है जिसको ज्यादातर लोग परचेज करते हैं। इनके पास वोटिंग राइट भी होता है और ये आपकी मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड अ क्लेम ऑन पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट पर भी वो अपना दावा दायर करते हैं। इन्वेस्टर्स गेट वोटिंग राइट ऑन कॉमन स्टॉक। अभी आपसे मैंने कहा कि ये कॉमन स्टॉक परचेज करने वाले वोटिंग राइट भी रखते हैं। अब हम करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक डोंट हैव द सेम वोटिंग राइट्स, बट इन्वेस्टर्स गेट द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रेफर्ड स्टॉक को सेम वोटिंग राइट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन खरीदने वाले को, प्रेफर्ड स्टॉक खरीदने वाले को डिविडेंड दिया जाएगा बिफोर कॉमन स्टॉक। ये एक इसका प्लस पॉइंट है। जब भी मुनाफा होगा सबसे पहले इनको दिया जाएगा। इफ द कंपनी इज वाइंड अप दे आर पेड अप फर्स्ट। अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले इनको पैसा दिया जाता है। कॉमन स्टॉक and preferred stock is issued for cash. Students, अब हम इनकी journal entries पढ़ेंगे। Students, जब भी आप common stock या preferred stock को issue करेंगे तो आप cash को क्या करेंगे students? Debit, common stock par value से credit होगा, और अगर par value से ज़्यादा का shares बेचेंगे तो सारे का सारा मुनाफा students पेड इन कैपिटल इन एक्सेस में आएगा। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स, जब आप प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे, कैश डेबिट, प्रेफर्ड स्टॉक क्रेडिट अपनी पार वैल्यू से,
और जितना पावर वैल्यू से ज़्यादा मुनाफा है स्टूडेंट्स, वो किस में क्रेडिट होगा? पेड इन कैपिटल इन एक्सेस में। नेक्स्ट, कॉमन स्टॉक इज इशूड फॉर प्रोमोटर्स। स्टूडेंट्स, अभी हमने शेयर्स इशू किए थे पब्लिक को कैश पर, अब हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं प्रोमोटर्स को। स्टूडेंट्स, प्रोमोटर्स कौन होते हैं? वो लोग जो कंपनी बनाने में अपनी खिदमात मुहैया करते हैं, कंपनी बनाने में अपनी सर्विसेज देते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोमोटर्स को हम लोग कॉमन स्टॉक भी इशू कर सकते हैं और कैश भी इशू कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस बताई है, दोनों तरह की जर्नल एंट्री बताई है। इस एंट्री में हम स्टूडेंट्स प्रोमोटर्स को कॉमन स्टॉक इशू करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और कॉमन स्टॉक क्रेडिट। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने प्रोमोटर्स को कॉमन स्टॉक की बजाय पैसा देंगे, कैश देंगे, तो क्या एंट्री पास होगी? ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉमन स्टॉक इशू करते हैं नॉन कैश आइटम्स। अब हम कॉमन स्टॉक को कैश पर इशू नहीं कर रहे, हम लोग बिजनेस में कोई एसेट्स परचेज करते हैं और उसका मोड ऑफ पेमेंट कॉमन स्टॉक होता है, हम उसकी पेमेंट कॉमन स्टॉक से करते हैं। हमने कोई भी एसेट्स खरीदा है स्टूडेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, कोई भी एसेट्स खरीदा है स्टूडेंट्स, वो डेबिट होगा। कॉमन स्टॉक अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होगा और स्टूडेंट्स जितनी पार वैल्यू से अबव वैल्यू है वो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस के नाम से क्रेडिट होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वो है कैश डिविडेंड। डिविडेंड मुनाफा। स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स जितना शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी उनको जो प्रॉफिट पे करती है, मुनाफा अदा करती है, कारोबारी जबान में उसको डिविडेंड कहते हैं, मुनाफा। स्टूडेंट, कंपनी दो तरह से अपना मुनाफा अदा करती है, डिविडेंड दो तरीक़ों से अदा करती है, वो आपको कैश की सूरत में भी दे सकती है और स्टॉक की सूरत में भी दे सकती है। अभी हम पहली टाइप पढ़ रहे हैं, कैश डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेमेंट एंट्री। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डायरेक्टर्स डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं, तो स्टूडेंट डिक्लेयर की क्या एंट्री होगी? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। पहले से जो पैसा मौजूद है वो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कॉमन डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम डिक्लेयर के बाद इस डिविडेंड को पे करेंगे तो कॉमन डिविडेंड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। डिक्लेयर्ड स्टॉक डिविडेंड, ये स्टॉक डिविडेंड की एंट्री है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल डेबिट और पेड इन कैपिटल क्रेडिट। अब जब इसको इशू करेंगे कॉमन स्टॉक डेबिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल क्रेडिट। थैंक यू।